तो मेरे पास आई हुई है होंडा एक्टिवा। एक्टिवा में क्या प्रॉब्लम दे रहा है, गाड़ी जैसे बैटरी नया लगाने के बाद 2-4 दिन चलता है, वापस बैटरी डाउन हो जाता है। अगर कभी भी आपके साथ में ऐसा अगर प्रॉब्लम आया तो आपने सब चीज़ डाल के चेक कर लिया, जैसे आपको पहले क्या चीज़ चेक करना चाहिए अगर बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है तो, आपको पहले मैं स्टॉप बता दे रहा हूँ। जैसे आपको फर्स्ट नंबर यहाँ जो होता है वाइट कलर का वायर है, देखिए इसमें वाइट कलर का वायर है, मान लो 3G 4G अटैची गाड़ी में आता है तो जिसमें दो, जैसे दो कनेक्शन यहाँ है, एक पिकअप कॉल के, मान लो 3 वायर वाला सिस्टम आपको बता रहा हूँ मैं। जैसे अपना गाड़ी का जैसे लाइट नहीं चालू हो रहा है, बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है तो आपको फर्स्ट नंबर यहाँ चेक करना है, वाइट कलर का वायर में करंट आना चाहिए। अगर इसमें करंट नहीं था, मतलब मैग्नेट से नहीं आ रहा है, इसमें अगर करंट नहीं आ रहा है मैग्नेट से, समझ लो मैग्नेट कॉइल ख़राब है। अगर इसमें करंट आ रहा है, इसके बाद फिर आपको कहाँ चेक करना है आपको भी दिखा दे रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद में चार्जर के पास आना चाहिए, चार्जर के पास ये देखिए वाइट कलर का वायर है, यहाँ आना चाहिए करंट। समझ लो आगे भी आ रहा है, पीछे भी करंट आ रहा है, जो वाइट कलर का वायर है समझ लो जो चार्जर ये ख़राब हुआ है, जिसको बोलते हैं चार्जर। अभी ये गाड़ी का जो प्रॉब्लम है, गाड़ी से मान लो गाड़ी चलती है जैसे 2-3 किलोमीटर चलने के बाद बैटरी के वायर कनेक्शन निकालेंगे तो गाड़ी बंद हो जाता है, समझ लो चार्जिंग नहीं होता है, कभी कभी चार्जर फेल हो जाता है, समझ लो ख़राब हो जाता है। तो अभी आपको मैं इसमें बता रहा हूँ, अभी मैंने चार्जर इसमें कितना लगा चुका हूँ देखिए, दूसरी गाड़ी का मैंने चार्जर जैसे मान लो लाया, मैंने लगाया हूँ तो इसमें भी चल नहीं रहा, बाद में बंद हो जाता है गाड़ी। तो देखिए हमारे पास 3 चार्जर ये पड़ा हुआ है, तीसरा चार्जर, तीनों चार्जर काम बराबर परफेक्ट काम नहीं कर रहा है, मैचिंग नहीं हो रहा है। तो अभी इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपको पहले गाड़ी स्टार्ट करके दिखा दे रहा हूँ मैं। गाड़ी स्टार्ट होकर ये देखिए अभी सेल्फ स्टार्ट हो रहा है, गाड़ी सेल्फ स्टार्ट इसलिए हो रहा है कि बैटरी अभी इसमें नया बैटरी है इसलिए गाड़ी सेल्फ स्टार्ट हो रहा है। अभी इसको कनेक्शन निकाल दे रहा हूँ, देखिए आपको गाड़ी सामने, ये देखिए गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी बंद होने का रीज़न ये है कि बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। अभी इसको वापस फिटिंग कर दे रहा हूँ मैं। अब फिटिंग करने के बाद जो चार्जर है इसमें, ये चार्जर अभी मैं दूसरा लगा दे रहा हूँ, आपको दिखाया था 3 चार्जर वो मैच नहीं हो रहा है। इसको जब तक मैच नहीं होगा तब तक चार्जिंग बराबर नहीं होगा। अगर आप इसे आप लगा दिए सोचेंगे मैंने नया भी लगा दिया तभी भी चलना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं होता है, कभी भी चार्जर मैच नहीं होता है। अभी इसको मैं आपको दूसरा चार्जर इसमें अब यार लगाने जा रहा हूँ, देखिए दूसरी गाड़ी लगाने जा रहा हूँ। अभी देखिए चार्जर निकला हुआ है, वे चार्जर लगाया हुआ, देखो ये भी चार्जर ओरिजिनल कंपनी का ही है। अभी इसको गाड़ी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, देखिए ये गाड़ी स्टार्ट हो गई, देख लीजिए आपके सामने चार्जर लगा हुआ है। अभी बैटरी के कनेक्शन देखो निकाल रहे हैं, अभी ये देखिए बैटरी कनेक्शन निकल गया और गाड़ी चालू है। तो इसका मतलब कहिए कि अभी गाड़ी बंद कर दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैटरी की जो होता है चार्जर है, इसको बोलते हैं चार्जर, तो ये चार्जर है ख़राब। तो इसको जो चार्जर होता है चेंज कर रहा हूँ, अभी ये चार्जर मैं दूसरा जैसे मान लो ला के इसमें यूज करूँगा। अभी आपको खाली सिंपल बता रहा हूँ, कभी आप सोचेंगे कि मैं चार्जर नया डाल दूँ, जब तक चार्जर मैच नहीं होगा, अगर आपको मैच करना है तो गाड़ी को लेके दुकान पे लेके जाना पड़ेगा, उधर ही आप मैच कर सकते हो लगा लगा के। नहीं तो आप सोचिए, देखिए वाइट कलर का सॉकेट है, वाइट कलर का सॉकेट ये भी रहना चाहिए, कभी मैच होता है कभी वाइट कलर में मैच नहीं होता है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किए कि ऐसे देखिए एच बी चार्जर जो है सेम ही चार्जर दिखने में सेम है, इसका जो है ये देखिए ब्लैक कलर का और इधर ब्लैक कलर का, देखिए ये भी ब्लैक कलर का है, ये भी ब्लैक कलर का है, जो तीसरा होता है तीसरा देखिए ये भी ब्लैक कलर का है। तो ये भी समझ लो तीनों मैच नहीं हो रहा, तो फिर मैंने वाइट कलर का लेके आया उसी गाड़ी को निकाल के, तो बराबर मैच हो गया हुआ है। जैसे आपके गाड़ी का अगर चार्जर से आपने डाल दिया, ऑपर रिपीट कर रहा हूँ, चार्जर डाल दिया तभी भी गाड़ी चार्ज नहीं हो रहा बैटरी, समझ लो आपकी गाड़ी का चार्जर मैच नहीं हो रहा है उसमें, तो आपको ऐसे डाल के चेक करना चाहिए। जो जो तरीका बताया, जो तरीका यूज़ करोगे तो आपका जो चार्जर होता है उसका प्रॉब्लम जल्द से जल्द आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों आपको अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास इजी से पहुँच जाएगा।